जय बाबा बर्फानी। अगर आप बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ जा रहे हो या फिर इन फ्यूचर आप जाना चाह रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है आपके लिए। अमरनाथ यात्रा वर्ल्ड में सबसे कठिन यात्राओं में से एक है और यहाँ पर हादसे भी होते ही रहते हैं। एक हादसा हमारे साथ भी होने वाला था लेकिन हमारी डेट अलग थी, इसके वजह से हम उस हादसे के चपेट में नहीं आए। क्या था पूरा वाकिया और आपने कौन सी प्रोटेक्शन लेने चाहिए अमरनाथ जाते वक्त, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो चालू करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई हर एक अपडेट्स मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लाते रहता हूँ, इसीलिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अमरनाथ गुफा हिमालय में 3380 मीटर ऊपर है और यह इलाका पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको कोई भी सड़क दिखाई नहीं देगी, यहाँ पर आपको मिट्टी और पत्थरों से चलना पड़ता है। अगर आप पैदल यात्रा करते हो तो आपको रेनकोट भी पहनना पड़ता है, स्वेटर भी पहनना पड़ता है, देखिए टोपे भी पहनना पड़ता है जैसे कि मैंने पहना है, और पैदल यात्रा करनी पड़ती है। जब हम गए थे दोस्तों उसके कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर बादल फटा था। जो गुफा है उसके बिल्कुल बाजू से ही एक नदी बन गई थी जिसमें 40 से ज़्यादा लोग लापता हुए थे। ये एक अचानक आने वाली आपदा थी। हमारी यात्रा दूसरे दिन ही चालू होने वाली थी तो हमें भगवती नगर में ही रुकाया गया था। जो पवित्र गुफा थी उसके बिल्कुल बाजू से ही अचानक से बादल फट गया था। ऑफिशियली बताया गया था कि 16 लोगों की मौत हो गई थी। जब हम गुफा के बिल्कुल पास पहुँचे तो यहाँ पर मंजर बहुत ही भयंकर था। हर तरफ लोगों के कपड़े पड़े हुए थे और देख सकते हो अपने आप एक नदी बन गई थी। यह पहले नदी नहीं थी, यह एक प्रकृति की ही मार थी दोस्तों। ये जो नदी अपने आप बनी है दोस्तों, यहाँ पर हादसा होने के कुछ दिन पहले तक यहाँ पर टेंट लगा करते थे दोस्तों, लोगों को खाना दिया जाता था। सोच सकते हो कितने लोग मरे होंगे। ये एक अचानक से आई हुई आपदा थी दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। ऐसे हादसे बहुत ही कम होते हैं रियली। जब भी आप अमरनाथ यात्रा के लिए जाओ तो कुछ दिन एक्स्ट्रा लेके जाओ। हमको 5 दिन अपने ही कैंप में रुकाया गया था इस हादसे की वजह से। हम बहुत ही परेशान हो गए थे एक ही कैंप में 5 दिन रहते हुए, इसलिए आप कभी भी जाओ तो ज़्यादा दिन लेके जाओ। जय बाबा बर्फानी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।